इस न्यूज के प्रायोजक हैं कोटा करियर हब बालाघाट। अब बालाघाट में पाए कोटा जैसी शिक्षा और सुविधाएं, वो भी रीजनेबल फीस में। हमारे यहाँ नीट, JEE, PNST और 11वीं 12वीं के छात्र को कोटा स्तर की शिक्षा प्रदान कराई जाती है। वारासुनी पुलिस थाना के द्वारा 13 जुलाई को शासकीय DAP इफको ब्रांड के नाम से अवैध मानक खाद तैयार करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें 13 जुलाई को वारासुनी न्यायालय के समक्ष पेश कर वहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया है। इसमें आरोपी मुनेश्वर पिता पृथ्वीराज चौहान, रमेश पिता नारायण, अजीत दीक्षांत पिता तेजनंद जैतवार के द्वारा सिंगल सुपर फास्फेट अमानक खाद को इफको कंपनी की ब्रांडेड छपाई की गई खाली बोरियों में पलटी कर अपनी दुकान से किसानों को बेचकर गोरख धंधा संचालित किया जा रहा था, जहां कृषि विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्यवाही में ग्राम कोस्ते में उनके निवास पर छापामार कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया। 13 जुलाई को वारासिवनी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया है। मामले में पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है। आपको बताएं कि 9 जुलाई 2024 को वारासिवनी थाने पुलिस को ग्राम कोस्ते के ग्रामीण जन से सूचना प्राप्त हुई कि रत्नम खाद बालाजी फास्फेट प्राइवेट लिमिटेड देवास का सिंगल सुपर फास्फेट अमानक खाद को अवैध रूप से प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना DAP इफको ब्रांड में पलटी कर 2 गाड़ी खाद मुनेश चौहान के घर पर स्टोर किया गया है, जहां पर कृषि विभाग को जानकारी दी गई, जो मौके पर कृषि विभाग की टीम निरीक्षण सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा टेमरे एवं थाना वारासिवनी पुलिस द्वारा जांच हेतु विधिवत संयुक्त रूप से छापामार कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में अवैध 72 बैग 50 किलोग्राम के भर्ती मात्रा 36 क्विंटल मौके पर अमानक खाद जब्त किया गया।